स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और सप्लीमेंट के बारे में जो कि काफी ज्यादा सस्ता है और इसके बारे में बहुत ही कम बात की गई है यूट्यूब पे। और स्पेशली अगर आप बात करें पिगमेंटेशन मेलाज्मा झाइयों को दूर करने के लिए तो इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की गई है। अगर आप पिगमेंटेशन मेलाज्मा झाइयों के लिए कोई सप्लीमेंट भी अगर आप सर्च करते हैं तो मोस्टली आपको वाइटमिन सी और वाइटमिन ई की ही वीडियोज देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि यूट्यूब पे बहुत सारे जो लोग वो कहीं सुनी बातों पे ज्यादा वीडियोस बनाते हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो बड़े क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं, वो वीडियो बनाते हैं, वो सेम वीडियो कॉपी करके अपनी वीडियो बना के अपनी लैंग्वेज में बता देते हैं तो उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की गई है और ये है विटामिन बी सप्लीमेंट। ठीक है, तो विटामिन बी उतना ही जरूरी है जितना कि आपकी स्किन में जितना कि आपकी स्किन हेल्थ के लिए विटामिन सी और विटामिन ई जरूरी है। और साथ ही साथ विटामिन बी का एक बहुत बड़ा फायदा है आपके पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए। वो फायदा क्या है उसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो अगर आप मुझे YouTube पे पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज यहाँ पर आपको स्किन, हेयर और वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलती है, वो भी एकदम फ्री में। सो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, सिर्फ कुछ सेकंडों का काम है। तो आज की वीडियो में हम जिस सप्लीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बीकासोल। बीकासोल एक विटामिन बी का सप्लीमेंट है और विटामिन बी हमेशा ग्रुप्स में मिलता है। तो विटामिन बी के बहुत सारे विटामिन है, विटामिन बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, ठीक है, बी सेवन, तो इस तरह के बहुत सारी लंबी पूरी लिस्ट है, बी ट्वेल्व, तो ये जो पूरे ग्रुप्स में मिलता है। तो यहाँ पर आज जो सप्लीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं उसके अंदर हर वो विटामिन बी मिल जाएगा आपको जिसकी आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए और साथ साथ आपकी बॉडी में जो भी समस्या है उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये सप्लीमेंट क्या काम आता है और उसके क्या फायदे हैं, चलिए एक बार इसके बारे में जानते हैं। तो बीकासोल एक मल्टीविटामिन कैप्सूल है जिसका इस्तेमाल आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए और अपनी वेलनेस के लिए कर सकते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ आपके टिश्यू को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आपकी बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करता है और आपके इम्यून सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। साथ ही साथ इसका एक और फायदा है कि ये आपकी सोर टंग को भी ठीक करने का काम करता है, आपके मुँह में किसी भी तरह के छाले हैं उन्हें ठीक करता है। साथ ही साथ ये आपकी अच्छी स्किन, हेयर और नेल्स की क्वालिटी को मेंटेन करने का भी काम करता है, यानी कि आपकी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए और नेल्स तीनों के लिए जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसकी एक बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी जो कि मैंने आपको बताई थी जो कि आपको हेल्प करेगी आपके पिगमेंटेशन मेलाज्मा या झाइयों से आपको छुटकारा दिलाने के लिए, वो है कि ये आपकी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। मैंने काफ़ी बार वीडियोस में बात करी है कि आयरन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी अगर आपकी बॉडी में कमी है तो आपको मेलाज्मा पिगमेंटेशन जैसी समस्या हो सकती है। साथ ही साथ ये आपकी बॉडी में कोलेजन के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है जो कि आपके घावों को भरने का काम करती है। कोलेजन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी स्किन के लिए और साथ साथ आपकी जोड़ों के लिए, सभी के लिए अच्छा होता है। तो अगर कोलेजन की मात्रा अच्छी होगी तो आपकी पिगमेंटेशन और मेलाज्मा अपने आप ही चले जाएंगे। ये आपकी हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बिकॉज ये आपके हेयर्स के लिए जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। आप जो भी आप डाइट के थ्रू ले रहे हैं उसको अच्छे से एब्जॉर्प्शन करेगा और अपनी स्कैल्प तक पहुंचाने का काम करेगा जिससे कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग जो कि बालों का सफ़ेद होना और हेयर फॉल या हेयर लॉस जैसी समस्याएं होती हैं वो नहीं होंगी। और साथ ही साथ ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो कोलेजन क्या है, ये एक तरह का प्रोटीन है जो कि जिसकी ज़रूरत होती है आपकी बालों की ग्रोथ के लिए, आपकी स्किन के अच्छे होने के लिए, आपके नेल्स के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन्स के समूह होते हैं, तो विटामिन बी नाइन भी होता है इसके अंदर जो कि फॉलिक एसिड होता है। ठीक है, तो फॉलिक एसिड क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, और इसके अंदर आपको B12 भी देखने को मिलता है, तो B12 आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि जो विटामिन B12 है उसकी कमी से भी आपको जो है पिगमेंटेशन जैसी समस्याएं हो सकती है, तो ये आपकी B12 की कमी को पूरा करेगा। इसके अंदर B9 यानी कि फॉलिक एसिड है, तो आपकी आयरन की कमी को भी दूर करेगा। तो ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जिनको पिगमेंटेशन मेलाज्मा झाइयों जैसी समस्याएं हैं, क्योंकि इसके अंदर हर वो चीज़ डाली गई है जिसकी कमी से मेलाज्मा होता है। तो अगर आप उसकी कमी को दूर कर देंगे तो आपका मेलाज्मा पिगमेंटेशन बहुत ही जल्दी जाएगा। अब कुछ साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि विटामिन बी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो अगर आपकी इस बॉडी में इसकी अधिकता भी हो जाएगी तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बॉडी इसे खुद फ्लश आउट कर देती है यूरिन के थ्रू। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो उसका एक साइड इफेक्ट आप देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा विजिबल होगा कि आपका जो यूरिन है वो पीला आना शुरू हो जाता है। तो आपका जो यूरिन है वो काफ़ी ज़्यादा पीला आता है,
तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि यार मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बॉडी में, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये आपकी इसी सप्लीमेंट की वजह से हो रहा है। विकासूल में आपको विटामिन सी भी देखने को मिलता है लेकिन कम मात्रा में देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको जिंक भी देखने को मिलता है लेकिन कम मात्रा में है। तो जिंक और विटामिन सी ऐसे न्यूट्रिएंट है जो कि हेल्प करेंगे आपकी स्किन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। और इसके अंदर आपको नियासिनमाइड यानी कि विटामिन बी3 भी देखने को मिलता है जो कि टिश्यू को रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। नियासिनमाइड के आपने बहुत सारे सीरम्स बहुत सारे क्रीम्स के बारे में रिव्यूज देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, तो नियासिनमाइड अपने आप में ही बहुत ज्यादा अच्छा एक तरह से आप बोल सकते हैं स्किन के लिए वरदान है। तो अगर आप उसे ओरली लोगे तो उसके आपको अलग से बेनिफिट देखने को मिलेंगे। और जो नियासिनमाइड होता है ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी रखता है, तो इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। कैप्सूल की एक सबसे अच्छी चीज ये है कि ये आपकी बॉडी से गर्मी को निकालता है। तो अगर आपको बॉडी हीट का बहुत ज्यादा इश्यू रहता है, आपको बहुत ज्यादा गर्मी फील होती है, तो अगर आप बीकासूल का इस्तेमाल करते हैं तो बीकासूल आपके बॉडी से इन्फेक्शन को दूर करने का काम करेगा और बीकासूल आपके एक्ने पिंपल्स से भी आपको फाइट करने की मदद करेगा। तो एक्ने पिंपल्स भी कई बार रीजन बन जाते हैं पिगमेंटेशन मेलाज्मा या झाइयों जैसी समस्या का। सो आपको पिंपल्स वगैरह नहीं होंगे तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगी और वो इन्फ्लेमेशन ही कई बार आगे चलकर हाइपर पिगमेंटेशन का रूप ले लेती है और वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ मेलाज्मा फॉर्म हो जाता है। तो सबसे बेसिक जो चीज़ है वो यही है कि एक्ने पिंपल्स के होने को स्टॉप करना है हमें, ठीक है, तो ये उसके लिए भी जो है मददगार है। तो आप देख सकते हैं कि ये कैप्सूल के बहुत सारे फायदे हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ये इतना सस्ता है जिसकी वजह से इसके अंदर जो चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं है, ठीक है। एक तरह से सिंथेटिक विटामिन बी का सप्लीमेंट है ये। सिंथेटिक होने की वजह से बॉडी इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं करती है, यानी कि इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं उनकी पूरी एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं होती है। आपको इसे थोड़ा सा लंबे समय तक इसे लेना पड़ेगा, तो कम से कम आपको 1 से 2 महीने तक विटामिन बी के सप्लीमेंट को लेना होगा और आप खुद ही कुछ हफ्तों में देखेंगे कि आपकी स्किन हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आपके बाल आपका टेक्सचर इंप्रूव होगा, आपके बाल झड़ना कम होंगे, साथ साथ आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा जिससे कि आपके चेहरे पर एक अपने आप में ही ग्लो आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फ्यूचर में भी आपके लिए इसी तरह की वीडियोज लाते रहेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगी अपनी स्किन प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए। सो मैं आशा करता हूं आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं पिगमेंटेशन मेलाज्मा या झाइयों की समस्या से तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए और उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक पेड प्लान रहेगा तो आपको एक फ़ीस देनी होगी, वो फीस क्या है वो आपको जब आप मैसेज करेंगे आपको ऑटोमेटिकली मेरी टीम के द्वारा बता दिया जाएगा। सो नंबर आपके स्क्रीन पर है, वैसे मैं आपको बोल करके भी बता देता हूँ, मेरा नंबर है 7230970779 7230970779। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ व्हाट्सएप सेवा उपलब्ध है, यहाँ पर कॉलिंग की सेवा उपलब्ध नहीं है। उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो रात के 3-3 बजे भी कॉल कर देते हैं जिसकी वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमने परेशान होकर सिर्फ व्हाट्सएप सेवा रखी हुई है। तो आप व्हाट्सएप पे हमसे मदद ले सकते हैं और अपनी इस समस्या का समाधान पा सकते हैं।